70 लाख की लागत से अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर मॉडल पर हिंदुस्तान में भव्य दुर्गा पंडाल तैयार किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खास शो। आज हम बात करेंगे वाराणसी में सटे भदोही जिले की। वाराणसी सटे भदोही जिले में गोपीगंज में नेशनल हाईवे के निकट ऐतिहासिक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। करीब 40 वर्षों से चल रहे इस समिति द्वारा इस बड़े रॉबिन्सवल्ले न्यू जर्सी अमेरिका में स्थित श्री अक्षरधाम मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आए 2 दर्जन से अधिक कुशल कारीगर पिछले 1 माह से काम में जुटे हैं। समिति के प्रबंधक रामकृष्ण खट्टू बताते हैं कि अमेरिका के श्री अक्षरधाम मंदिर के प्रतिरूप में दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। इस आकर्षक दुर्गा पंडाल के निर्माण में करीब 70 लाख रुपए की लागत लग रही है। मंदिर स्वरूप में तैयार हो रहे भव्य मंदिर और दिव्य पंडाल में महिषासुर का मर्दन करती माँ दुर्गा, गणेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, कार्तिक सहित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसी बीच हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुंचे और उन्होंने वहाँ रामकृष्ण खट्टू जी से बात की। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे विगत 35 वर्षों से पंडाल का निर्माण होता आ रहा है, जो कि ऐतिहासिक है और पूर्वांचल में जो है इसका नाम है। और यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की श्रृंखला में से एक से बढ़कर के एक मंदिरों का निर्माण होता आ रहा है। इस बार यहाँ पे रॉबिन्सविले न्यू जर्सी अमेरिका के में स्थित जो है अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। और इस पंडाल को बनाने में 25 कारीगर रात दिन अथक मेहनत करके लगभग 2 महीने में बनाते हैं। और ये कारीगर पश्चिम बंगाल से आते हैं और मूर्तिकार भी पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, जो अपने 10 सहयोगियों के साथ मिलकर के 21 फीट ऊंची मूर्ति के प्रतिमा को वो लोग बना रहे हैं। इस पंडाल को बनाने में लगभग इस वर्ष 70 लाख के आसपास लागत आ रही है। यहाँ पर जो है दुर्गा प्रतिमा जो है वो महिषासुर का मर्दन करते हुए बनाया जाता है और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई जाती है, कार्तिक भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, सरस्वती भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और गणेश भगवान की भी मूर्ति बनाई जाती है। साथ में सुरक्षा के दृष्टि से समिति की तरफ से जो है अग्निशमन यंत्र रखे जाते हैं, पानी की व्यवस्था रखी जाती है, बालू की व्यवस्था रखी जाती है और प्रशासन के तरफ से जो है अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ पे परमानेंट मौजूद रहती हैं। कोलकाता के ही 10 कारीगर प्रतिमाओं के अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। नवरात्रि के दौरान 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दुर्गा पूजनोत्सव चलेगा, उसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि के दौरान लगने वाले इस पंडाल में भदोही सहित आसपास के आधा दर्जन जनपदों में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि भदोही के गोपीनाथ में पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, स्वामीनाथ नारायण मंदिर इंग्लैंड, श्री राम मंदिर अबूधाबी सहित तमाम देवी देवताओं के मंदिरों की प्रतिमाओं का पंडाल पिछले वर्षों में बनाया जा चुका है। यूपी के भदोही जिले के गोपीगंज में मां सिंह वाहिनी श्रृंगार समिति की ओर से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से ऐतिहासिक पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसी के बाद दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारे रिपोर्टर रामकृष्ण पांडे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पे एक दर्शक से भी बात की। अरे रास्ते जा रहे थे, देखे माँ का पंडाल बन रहा है, देखने के लिए रुक गए। हर साल बहुत बड़ा बनाया जाता है और देश विदेश के हर एक प्रसिद्ध मंदिरों का यहाँ पर ढांचा बनाया जाता है और लाखों यहाँ खर्च किया जाता है और ये जिला प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, दर्शन पूजन आते हैं, करने आते हैं। हाँ हाँ, घर के लिए पहुँच जाते हैं। अरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। श्री अक्षरधाम मंदिर का भव्य मॉडल तैयार करने के लिए अपने 25 सहयोगियों के साथ नेपाल दादा, शिवकांत दादा, प्रशांत दादा लगभग 1 माह से जुटे हुए हैं। वो बांस, बल्ली, कील, रस्सी आदि के सहारे मंदिर का ढांचा तैयार कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मभूमि, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, कोणार्क का सन टेम्पल उड़ीसा, स्वामीनारायण मंदिर इंग्लैंड, श्री रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, माँ वैष्णो देवी गुफा जम्मू, कारगिल पहाड़ी कारगिल, अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात, श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात, केदारनाथ मंदिर हिमाचल, श्री पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता वेस्ट, श्री बिरला मंदिर कोलकाता,
श्री वेलूरू मठ कलकत्ता, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, श्री द्वारकाधीश मंदिर द्वारका, श्री मीनाक्षी मंदिर मैदूर तमिलनाडु, श्री कुंभकोण मंदिर तमिलनाडु, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर तमिलनाडु, पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल, श्री स्वामीनाथ नारायण मंदिर टोंगो कनाडा, श्री जैन मंदिर रणकपुर राजस्थान, श्री स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली, श्री स्वामी नारायण मंदिर न्यूयॉर्क जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका, कंदरिया महादेव मंदिर कुजरोहा, श्री राम मंदिर अबू धाबी, श्री राम मंदिर अयोध्या आदि मंदिरों के मॉडल पर दुर्गा पंडाल बनाया जा चुका है। रामकृष्ण खट्टू ने बताया कि माँ दुर्गा महापूजनोत्सव समारोह 8 अक्टूबर मंगलवार से 16 अक्टूबर बुधवार तक विधि विधान और धूमधाम से चलाया जाएगा। मूर्तिकार सूर्य सरदार सुजनीत पालका और 10 सहयोगियों को लेकर लगातार अथक प्रयास कर शेर सवार होकर महिषासुर का मर्दन करती हुई माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, साथ में कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष अद्वय भान सिंह, संरक्षक प्रहलाद दास गुप्ता, उपाध्याय संदीप सिंह सहित कई अन्य सहयोगी लोग दिख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।